कैंप एक स्थित ज्ञानोदय विद्यालय के परिसर स्थित खेल मैदान में सियान सदन बनाए जाने से नाराज और कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं द्वारा बातें नहीं सुने जाने से आहत कांग्रेस के पूर्व पार्षद दिवाकर भारती ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा देने के बाद उन्होंने खुलकर अपनी बातें लोगों के समक्ष रखने की जानकारी दी है। कैंप क्षेत्र से 3 बार के वरिष्ठ पार्षद और कांग्रेस नेता दिवाकर भारती ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। दरअसल पूरा मामला उनकी बातों की उपेक्षा किए जाने को लेकर है। कैंप एक में ज्ञानोदय विद्यालय का संचालन वर्षों से किया जा रहा है। इस विद्यालय परिसर के भीतर बच्चों के खेलने के लिए रिक्त भूमि है। इस भूमि पर सियान सदन का निर्माण स्वीकृत होने से दिवाकर भारती में आक्रोश देखने को मिला है। सियान सदन के लिए पूर्व पार्षद दिवाकर भारती द्वारा कांग्रेस के नेताओं को अन्य खाली जगह निर्माण किए जाने का आग्रह किया गया था, लेकिन उनकी बातों को अनसुना कर दिया गया। ज्ञानोदय परिसर में निर्माण कार्य शुरू हो जाने से स्कूल के संचालकों में भी आक्रोश देखने को मिला है। इस विद्यालय में सैकड़ों बच्चे अध्ययनरत हैं, जिनके खेलने के लिए परिसर का यही एकमात्र मैदान है। दिवाकर भारती का कहना है कि सियान सदन का निर्माण अन्य क्षेत्र में भी किया जा सकता था, इसके लिए स्कूल परिसर के खाली स्थान को ही चुना जाना कहीं से भी न्याय संगत नहीं है। उन्होंने अपनी बातें कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं तक लगातार पहुंचाई, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो सका। साथ ही नगर निगम प्रशासन द्वारा स्कूल परिसर के भीतर ही सियान सदन के निर्माण कार्य के लिए नापजोक भी शुरू कर दी गई। पूर्व पार्षद दिवाकर भारती ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी। हाँ दिवाकर जी, बताएंगे स्कूल ज्ञानोदय स्कूल का क्या मामला, आपके द्वारा जिला अध्यक्ष को इस्तीफा भी भेजा गया है। ज्ञानोदय स्कूल ये कैंप क्षेत्र का एक गरीब वर्गों को पढ़ाने के लिए 40 साल पुराना स्कूल है और हम लोग इसके फाउंडर मेंबर रहे हैं। कोरोना काल में कुछ दिन के लिए स्कूल बंद था, तो इसमें कुछ पर एक स्कूल का ही भवन जो पार्षद निधि द्वारा बनाया गया था उस पर कब्जा कर लिया गया और उस पर सियान सदन लिख दिया गया। उसके बाद ये लोगों ने किसी ये प्रोसेस शासन द्वारा मांग किए होंगे कि यहाँ पर सियान सदन बनाया जाए और 20x30 का सियान सदन के लिए इनको पैसा सेंशन हो गया। और ये इनका कहना है कि हम स्कूल के इसी बाउंड्री के भीतर ही बनाएंगे, जबकि इस बाउंड्री में के भीतर बनाने का कोई औचित्य नहीं होता है। बच्चे खेलते हैं, कम से कम 200 से 250 बच्चे इस स्कूल में पढ़ते हैं और कल भी इस स्कूल में बच्चे खेल रहे थे। उसी समय निगम के अधिकारी आकर बच्चों को मना किए, तुम लोग क्यों खेल रहे हो, तो मैडम ने घंटी बजाकर बच्चों को फिर अंदर किया। और मेरे द्वारा बार बार महापौर जी से और भिलाई नगर विधायक जी से 3-4 बार निवेदन किया गया, जाकर मिला गया। उन्होंने मुझे पूर्ण रूप से आश्वस्त किया थे कि दिवाकर वहाँ पर भवन नहीं बनेगा, हम लोग कहीं पे और भी स्थल परिवर्तन कर देंगे। और इस बात के साक्षी हमारे जिला अध्यक्ष मुकेश चंद्राकर जी भी थे जब मेरी और महापौर जी से बात हुई थी। फिर लेकिन उसके बाद भी इस तरह का कृत्य किया जा रहा है, यहाँ पर बार बार पुलिस फोर्स भेजकर और दबाव बना करके इसी बाउंड्री के अंदर ही भवन का निर्माण करने के लिए ये लोग जिद किए हुए हैं। और इस कारण जब मैं कांग्रेसियों द्वारा ही, कांग्रेस का एक सच्चा सिपाही प्रताड़ित हो रहा है, तो मेरा कांग्रेस में रहने का कोई औचित्य नहीं है। इस बात से क्षुब्ध होकर मैं जिला अध्यक्ष श्री मुकेश चंद्राकर जी को अपना इस्तीफा प्रेषित कर दिया गया है। अब मैं इस स्कूल को बचाने के लिए जन आंदोलन करूंगा। क्योंकि इस मामले में को लेकर के आपकी कांग्रेस के किसी वरिष्ठ और नेता से चर्चा वगैरह हुई क्या? मेरी मुकेश चंद्राकर जी से अक्सर चर्चा हुई है। मैंने अभी परसों नर्सों के दिन घर घर झंडा अभियान था, हमारे साथ सुश्री नीता लोधी जी थी, मैंने उनको भी संज्ञान में लाया। जब मैं सीधे नीरज पाल जी से बात कर रहा हूँ, महापौर जी से बात कर रहा हूँ, जो पूरे भिलाई के सर्वे सर्वा हैं, आदरणीय विधायक जी से जब मैंने निवेदन किया, उन्होंने भी मुझे आश्वस्त किया। अब मैं किसके पास जाऊँ, हमारे लिए तो यही लोग हैं सबसे सर्वे सर्वा। इसमें इस्तीफा देने की आपको क्यों आवश्यकता महसूस हुई? क्योंकि मैं कांग्रेस में रह के कांग्रेस द्वारा ही प्रताड़ित हो रहा हूं, तो मैं कांग्रेस में रहने का मुझे कोई औचित्य महसूस नहीं होता, इसलिए मैं कांग्रेस के बाहर रहकर इस स्कूल को बचाने के लिए आंदोलन करूंगा जनहित में। गौरतलब है कि मंगलवार को नगर निगम की टीम पुलिस प्रशासन के साथ ज्ञानोदय स्कूल परिसर पहुंची थी। इस दौरान स्कूल प्रबंधन और निगम प्रशासन के अधिकारियों के बीच चर्चा भी हुई, जो कि बेनतीजा साबित हुई। सियान सदन का निर्माण होने से अब स्कूल के बच्चों के समक्ष खेलकूद के मैदान को लेकर समस्या खड़ी हो गई है। वहीं पूर्व पार्षद दिवाकर भारती में भी बेहद नाराजगी
देखने को मिली है। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए संजय दुबे।